आज कितने तरह की कैटेगरी से वुमेन्स को अवार्ड दिया जा रहा है? तो सबसे पहले मेरा नाम विजय दलवानी है और मैं रियल वुमेन अवार्ड्स का फाउंडर हूँ। मेरी फ्रेंड शीतल मिलकर उसके साथ हमने मिलकर ये शुरू किया है। आज हम 6वीं सिटी कवर कर रहे हैं। पिछले 2 साल में हमने मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, ये 5 सिटी में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अवार्ड किया है। उनकी कैटेगरीज हमने सेलेक्ट करके जूरी द्वारा उनको फाइनलाइज करके उनको अवार्ड किया है। आज हम आए हैं दिल्ली NCR की वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो लेडीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको उनका सत्कार करने और उनको थोड़ा प्रोत्साहन करने के लिए हम आए यहाँ पर। इस 5 करीबन 22 कैटेगरीज को अवार्ड मिलने वाला है, जैसे लैंडस्केप आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, कंस्ट्रक्शन सेल्स, रियल एस्टेट बिल्डर, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब तक लोगों को लगता था कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ मेल ही चलाते हैं, वो सिर्फ मर्दों की इंडस्ट्री है, पर आप देखोगे कि इतनी सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं और वो इतना अच्छा काम कर रही हैं। आप जब आज उनको अवार्ड लेते हुए देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी यूनिक कैटेगरीज में वो अपना काम कर रहे हैं। और हम बहुत एक्साइटेड हैं दिल्ली आकर। दिल्ली की ठंड बहुत आ गई, बहुत अच्छी लग रही है हमको और बहुत अच्छा लग रहा है। और बस आप सबका स्वागत है यहाँ पर, पूरी मीडिया का। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ गुड इंटरेक्शन विद यू। थैंक यू। सेलेक्टेड बात करें तो मीडिया किस तरीके से अब ये सेलेक्टेड होता है, किस तरह सेलेक्शन किया जाता है, क्या क्या इनकी प्रायोरिटी होती है, ये पूरी क्या है? ये पूरी प्रक्रिया 3-4 महीने से चलती है। पहले हम बहुत सारी एसोसिएशन है, जैसे ISRE है, फायर सेफ्टी है, दूसरे इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, उनके द्वारा हम इन सब महिलाओं तक पहुँचते हैं। उनको हम बताते हैं कि आप अगर अपना काम हम तक पहुंचाएंगे तो हम उसको जूरी द्वारा सिलेक्शन प्रोसेस में लेके जाएंगे। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आती हैं, करीबन 200-250 एप्लीकेशंस आती हैं। फिर एक पूरी प्रॉपर जूरी प्रक्रिया की जाती है। इंडस्ट्री के बड़े 3 दिग्गज जूरी में रहते हैं, वो आज यहाँ पर प्रेजेंट है और फिर वो पूरा सबको एक बार चेक करके फिर वो फाइनल करते हैं कि इन 200 एप्लीकेशन में से हम किसको अवार्ड दे सकते हैं। ये हमारा एक इकलौता ऐसा अवार्ड है, हम किसी अवार्डी से 1 रुपए का शुल्क नहीं लेते हैं, वरना मार्केट में तो आजकल पेड अवार्ड्स बहुत चलते हैं। तो ये बहुत जेन्यून अवार्ड्स है। अगर आपने अच्छा काम किया है और जूरी ने आपको सेलेक्ट किया है तो ही आपको अवार्ड मिलेगा और आपको रिकग्निशन मिलेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप है या स्टार्टिंग बेबी है? नहीं, स्टैंडअप भाई भी है, पूजा स्टैंडअप। अभी ये हमने स्टार्टअप्स तक अभी इंक्लूड नहीं किया है। अच्छा। बट पूरे अवार्डी में हम एक स्टार्टअप को ज़रूर दर्शाते हैं कि जो नया इसमें काम कर रहा है, न्यू स्टार्टअप जो आया है, इनोवेशन में कुछ कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, तो उनको हम अवार्ड करते हैं। बट अदरवाइज तो थोड़ा सा आपने काम किया होना चाहिए, 10-12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप सिलेक्शन करते हैं। तो ऐसी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी भी निकलती है जिसमें महिलाओं को अपनी पहचान बनाने के लिए योगदान देती हो? देखिए, गवर्नमेंट को तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं और अभी तो बहुत तेज़ी से चल रहा है और धीरे धीरे ऐसे जो हम छोटे छोटे इनिशिएटिव्स करते हैं ये अवार्ड फंक्शन के द्वारा, ये भी लोगों तक मैसेज पहुंचाता है कि महिलाओं को भी आगे बढ़ बढ़ के इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। और हमारे इसी प्रयास से धीरे धीरे हम देख रहे हैं महिलाएं अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एंट्री करती हैं और वो अपना करियर यहाँ बनाने की कोशिश करती हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो काफ़ी हैं पर हम उसमें ज़्यादा आज नहीं बात कर पाएंगे, जो हम कर रहे हैं हम उसके बारे में बात कर पाएंगे। सर, क्या छोटे सेक्टर से जो महिलाएं छोटा मोटा बिजनेस करती हो उनको भी एनकरेज करने के लिए इसमें इंक्लूड किया गया? बिल्कुल करते हैं, जो स्टार्टअप्स, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टअप है वो करते हैं हम उनको। अब अगले और सीजन से हम प्लान कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेबर क्लास में महिलाएं हैं उनका भी सिलेक्शन किया जाए कि वो भी कितना अच्छा उसमें योगदान देती हैं। सिर्फ इंजीनियर ही नहीं बिल्डिंग बनाते, वो जो लेबर साइट पर काम करता है वहाँ पर काफ़ी महिलाएँ काम करती हैं, तो हम उनका भी एक सेगमेंट अब शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट सीजन से। तो पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन की बात आई है वुमेन्स की, क्या देखते हैं आप इस चीज़ को? तो बहुत अच्छी बात है और वुमेन के लिए रिजर्वेशन और बढ़ना चाहिए, 80% तक जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों तक उनको सिर्फ घर का चौका चलाने के लिए ही सोचा जाता है, पर अब देखिए कितनी महिलाएँ आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही हैं। हमारे खुद के ऑफिस में 60-70% महिलाएँ हैं, शीतल जी के ऑफिस में 60-70% महिलाएँ हैं,
तो रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। मैं खुद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक MEP कंसल्टेंट हूँ, यानी इंजीनियरिंग सर्विसेज हम लोग ये करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारे डेवलपर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, जैसे लोधा है, इंडिया के सबसे बड़े डेवलपर जो है लोधा है, रस्तम जी है, बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज का काम करते हैं। सो मैं 28 साल से इंडस्ट्री में हूँ, और इस 28 सालों में मैंने देखा कि बहुत कम महिलाएं इस इंडस्ट्री में आ रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, क्योंकि ये काफ़ी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो सिर्फ 12% महिलाएं हैं जो इस इंडस्ट्री में आती है, उसमें से भी काफ़ी सारी जो है वो लेबर सेक्टर में है, और सिर्फ 3% जो है वो लीडरशिप रोल या टेक्निकल रोल जैसे हम लोग हैं, वैसे हम सिर्फ 3% है इसमें। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग इन महिलाओं को, जो 3% महिलाएं हम जो है इनको अगर हम लाइमलाइट में लाते हैं, अगर हम उनको अवार्ड्स देते हैं, उनको रिकग्नाइज करते हैं, उससे हम और महिलाओं को इस इंडस्ट्री में लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सबको लगता है ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, इसमें हम जाए ना जाए, तो अगर हम नहीं दिखाएंगे ये कि हम ऑलरेडी ये अच्छा काम कर रहे हैं, तब तक हम किसी को प्रेरित नहीं कर पाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। मेल डोमिनेटेड की बात आपने अभी करी है, लेकिन जहाँ तक कंपटीशन बहुत है इस काम में भी, वुमेन्स के साथ कंपटीशन और मेन के साथ कंपटीशन में किस तरीके से देखते हैं सब? कंपटीशन तो हर जगह पे है। आज हमारा जो देश है, हमारा पॉपुलेशन ही इतना है कि हम किसी भी प्रांत में जाए हमें कंपटीशन तो है। तो आपको क्वालिटी तो अच्छा देना ही पड़ेगा। आप कुछ भी काम करो, अच्छे तरह से करो, अच्छे क्वालिटी से करो, तो आपको तरक्की तो मिलने ही वाली है। तो मुझे लगता है कंपटीशन है। मैं आज MEP कंसल्टेंट करके काम कर रही हूँ, मुझे भी काफ़ी कंपटीशन है। आज 100-150 MEP कंसल्टेंट है, उसमें 4-5 महिलाएं हैं जो MEP कंसल्टेंसी कर रही है। मैं वन ऑफ द, बट हम लोग वन ऑफ द नहीं है, वी आर रीचिंग टू द बेस्ट कि वी आर लीडिंग नॉट ओनली बिटवीन 4-5, बट वी आर लीडिंग अमंग द होल इंडस्ट्री, यू नो। तो आप जो भी काम करो अच्छी तरह से करो तो हो सकता है। मैम, महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए किस तरह के सोसाइटल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाने की ज़रूरत है? मुझे लगता है काफ़ी चेंज करना पड़ेगा। एक तो महिलाओं को खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। सी, हम एक उनको ये दे सकते हैं कि प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि ये जैसे अवार्ड दिया, मोटिवेट किया उनको, पर काफ़ी सारा अवेयरनेस बाकी है। आज कितनी सारी महिलाएं जो बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमारे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे हमारा घर भी देखना है, हमारे बच्चों का देखना है, सब करके हमें हमारा करियर करना है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है उनके लिए, क्योंकि हमको सब बैलेंस करना है। अभी उसमें से कुछ लोग आगे जा सकते हैं, कुछ लोग क्योंकि उनके करियर में ब्रेक लग जाता है जब भी बच्चे होते हैं। जैसे मेरे साथ भी हुआ कि मेरे जब भी बच्ची हुई तभी मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि कोई नहीं था संभालने के लिए। पर वो जब भी मेरी बच्ची हुई, मैं घर से मैंने ये कंपनी शुरू की है, जब भी मेरी बेटी 3 महीने की थी। तो एवरीबडी इज़ डिफरेंट आई थिंक, पर इंस्पायर करते रहना पड़ेगा कि चांस देना पड़ेगा। जो करियर ब्रेक लेती है महिलाएं, उनके लिए चांस देना पड़ेगा। जैसे मैं मेरे कंपनी में चांस देती हूँ, वी कॉल इट सेकेंड इनिंग मेंबर्स। अगर आपका करियर ब्रेक होने के बाद अगर किसी महिला को वापस ज्वाइन करना है तो हम उनको प्रेरित करते हैं। पर हम अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, आई थिंक हम लोग जो इन महिलाओं को अवार्ड हम अभी तो कंस्ट्रक्शन से शुरुआत की है, क्योंकि मैं खुद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हूँ। मुझे लगता है इसमें अभी हमने, ये हमारी 6वीं सिटी है, हमने मुंबई, पूना, अहमदाबाद, हैदराबाद, बैंगलोर, ये सिटीज में ऑलरेडी अवार्ड्स किए हैं। ये 6वीं सिटी है जहाँ पे हम लोग ये अवार्ड्स कर रहे हैं। अभी इंडिया कवर करना बाकी है, अभी हमें कलकत्ता करना बाकी है, चेन्नई करना बाकी है। ये सब खत्म होने के बाद अगर हमें लगता है कि ये हुआ है, हमसे ये काम हुआ है, तो हम अगले पड़ाव की तरफ जाएंगे। पैन इंडिया की बात करते हैं, कितना रिसर्च निकलता है, कितने परसेंट महिलाएं हैं जो इस तरह से जुड़ी हुई हैं पैन इंडिया? सो पैन इंडिया में मैं वही बता रही हूँ, 12% है सिर्फ, और उसमें से काफ़ी सारे जो है वो सेमी स्किल्ड है या लेबर क्लास में, सिर्फ 3% है जो ये लीडिंग पोजिशन में या टेक्निकल रोल्स में है। थैंक यू। क्या आज किसी कंस्ट्रक्शन महिला को अवार्डेड किया गया है?
22 महिलाएं हैं दिल्ली से, इनको चुन चुन के निकालना पड़ता है क्योंकि ये लाइमलाइट में है नहीं, इनको हमें ढूंढना पड़ता है। हमारा सिलेक्शन प्रोसेस ही वैसे है, इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको हम लोग मिलते हैं, उनको बोलते हैं आप नॉमिनेट कर दो, आप किसी को पहचानते हो, तो इसी तरह से नॉमिनेशन होता है। फिर हमारे जूरीज है वो अच्छी तरह से उनके प्रोफाइल्स के थ्रू जाते हैं और वो सब करके फिर फाइनल अवार्डीज होते हैं। तो हमारे 22 अवार्डीज है, उसमें आर्किटेक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, कंसल्टेंट्स है मेरी तरह, फिर कुछ मैन्युफैक्चरर्स है। सो अलग अलग प्रांत की लेडीज़ है। और वाई 22 क्यों कैटेगरीज है, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि इतनी अपॉर्चुनिटीज इस इंडस्ट्री में है तो ही हम और महिलाओं को प्रेरित कर सकते हैं। ये जूरी मेंबर्स में कौन है, जूरी में टीम कौन कौन है? जूरीज में वी हैव इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लाइक बहुत बड़े आर्किटेक्ट है, रेजा काबुल सर है, फिर कोलते पाटिल करके बहुत बड़े डेवलपर है, उनके CEO वो है मिस्टर मुकेश जेटली। ये दोनों ये भले रियल वुमन अवार्ड्स है पर डेफिनेटली मेल्स भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो दीज ऑल आर अवर सपोर्ट सिस्टम्स। मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे पार्टनर जो है विजय दलवानी वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो भले ये महिलाओं के लिए है पर हमें सबको सपोर्ट करना है, तो डेफिनेटली मेरी मेल्स आर सपोर्टेड। थैंक यू मैम।